हेलो दोस्तों, मैं नूर सबा, आपका स्वागत है मेरे चैनल नूर जायका में। लॉकडाउन का टाइम है, रमज़ान का वक्त है, रमज़ान में कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है और आज मैं एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, रमज़ान स्पेशल। वैसे तो चिकन की बहुत सारी डिश है जो अपने आप में ही लाजवाब होती है, लेकिन ये डिश कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, बहुत ही लजीज है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसका नाम है सुलेमानी चिकन कढ़ाई। तो आइए दोस्तों देखते हैं चिकन सुलेमानी कढ़ाई किस तरह बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल नूर जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको सूचना मिले। तो आइए दोस्तों देखते हैं सुलेमानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। दोस्तों मैंने 1 किलो चिकन लिया है और अदरक को छीलकर बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं, और मैंने 9 से 10 हरी मिर्च ली है और ये फ्राई मिर्च है, इसकी जगह आप अचारी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम अक्सर भजिया वगैरह में करते हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसको मैंने पहले तवे पे अच्छी तरह से भून लिया है, भूनने के बाद इसे मैंने क्रश कर लिया, इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है। नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप लीजिए और मैंने ये 20 दाना काली मिर्च ली है जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं और इसको भी मैंने क्रश किया है, बारीक नहीं करना है। तेल 2 बड़ा चम्मच और मैंने 1 नींबू का रस निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, ये 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए और अगर नहीं है तो 15 दाना लहसुन और थोड़ा अदरक लेके उसे पीस लीजिए, वो उस क्वांटिटी में हो जाएगा। ये मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली और इसे बारीक काट कर इसे डीप फ्राई किया है। डीप फ्राई करते वक्त आप 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दीजिएगा तो आपकी प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी और थोड़ा कुरकुरी रहेगी। और याद रखिएगा कि 1 किलो गोश्त में हमें 5 मीडियम साइज़ प्याज लेना है और अब हमें इसे इस तरह से हाथों से क्रश करना है, ये थोड़ा टूट जाए। हम इसे इसलिए क्रश कर रहे हैं ताकि ये और बारीक हो जाए और हमारे चिकन में अच्छी तरह से मिल जाए। आप देख सकते हैं ये हमारा क्रश करके हो गया है। अब हम चिकन सुलेमानी पकाना स्टार्ट करती हैं। ये मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई, अब हमें इसमें तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, हम इसमें बड़ी हरी मिर्च डालेंगे, अभी छोटी जो बारीक मिर्च है छोटी मिर्च वो नहीं डालेंगे और इसे इस तेल में अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। हमें इसी तेल में सारी ग्रेवी को बनाना है, आप देख सकते हैं हमारी मिर्च लाल होना स्टार्ट हो गई है और ये अच्छी तरह से लाल हो गई है, अब हम इसे इस तेल से निकाल लेंगे। तेल गर्म है, अब हम इसी तेल में सारा ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसे तेल में अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा पकने के बाद हम इसके अंदर चिकन को डालेंगे। चिकन को डालने के बाद हम इस पेस्ट में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारे गैस की आंच को हम तेज़ी रखेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे आंच एकदम तेज़ हो ताकि चिकन का पानी जल सके। दोस्तों अब हमारा 5 मिनट हो चुका है, हम देखते हैं चिकन का पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। अभी पूरी तरह से खुश्क नहीं हुआ है, देखिए इसमें पानी अभी भी बाकी है। मेरे ख्याल से ये 2 से 3 मिनट और हमें इसे पकाना होगा पूरी तरह से इसका पानी, जब तक खुश्क ना हो जाए।
हम इसे 2 से 3 मिनट और छोड़ देंगे पकने के लिए और आंच को तेज रखेंगे। तो अब देखते हैं पानी खुश्क हुआ है कि नहीं चिकन का। हाँ, आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया है अच्छे से और चिकन भी लगभग आधा गल चुका है। अब हमें इसके अंदर सारी चीज़ों को एक एक करके डालते हुए जाएंगे। मैं सबसे पहले इसमें हमारी भुनी हुई प्याज को डालूंगी। उसके बाद नमक जितना आपको लगे, कुटा हुआ काली मिर्च और फिर जीरा, भुना हुआ जीरा, और साथ में ये हरी मिर्च, छोटी हरी मिर्च को भी डालूंगी। और हम फ्राई मिर्च आधी डालेंगे, आधी बचा के रखेंगे गार्निश के लिए। अदरक को भी मैं आधा डालूंगी, आधा रखूंगी गार्निश के लिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें लगभग अपनी सारी चीज़ों को डाल दिया है, सिर्फ नींबू के रस को बाकी रखा है। मैं इसे मिक्स करने के बाद नींबू के रस को डालूंगी। हमने अब तक तेज आंच पर अपनी ग्रेवी को बनाया है ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए, लेकिन अब हम आंच को धीमी रखेंगे ताकि हमारी ग्रेवी नीचे से जले ना और हमारा गोश्त भी गल जाए। अब मैं इसमें नींबू के रस को डालूंगी और थोड़ा इसे मिक्स करूंगी। और एक बात का ख्याल मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आंच हमें धीमी रखना है ताकि हमारा गोश्त नीचे से, हमारी ग्रेवी नीचे से पकड़े ना और गोश्त हमारा गल जाए। मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी धीमी आंच पर। लगभग हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अभी ये चिकन पका नहीं होगा, लेकिन हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे से पकड़े ना। आप देख सकते हैं चिकन में अभी भी थोड़ी कसर है। हमें इसे 5 से 10 मिनट और पकाना होगा। हम इसे फिर से धीमी आंच रखेंगे, धीमी आंच पर ढककर छोड़ देंगे। दोस्तों, अब हमारा चिकन पक चुका होगा। वाह, क्या खुशबू आ रही है! इसकी खुशबू ही बताती है कि ये पूरी तरह से पक चुका है। इसकी खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दिया है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि गोश्त अच्छी तरह से गला है कि नहीं। ये देखिए, ये पूरी तरह से गल चुका है। धीमी आंच से पकाने की वजह से मसाला जला नहीं और गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है। और अब हम गैस बंद कर देंगे। और अब जो है, जो फ्राई की हुई मिर्ची हमने गार्निश के लिए बचा के रखी थी, अब वो डालेंगे। कटी हुई अदरक जो हमने बचा के रखी थी, वो भी इसमें मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास कोथमीर होगी तो उसे बारीक चॉप करके वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने गैस ये तीन चीज़ों को डालने से पहले ही बंद कर दिया है, क्योंकि गार्निश की चीज़ें हमें नहीं पकाना है। उसका कच्चापन ही ग्रेवी का स्वाद बढ़ाता है। दोस्तों, हमारी बहुत ही जायकेदार डिश चिकन सुलेमानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे पराठा, रोटी या घी चावल के साथ भी खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस डिश को बनाइए, खुद भी खाइए और घर में सबको खिलाइए। और स्वाद कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल नूर जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको सूचना मिले।